Brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. कोटा में एक कोचिंग छात्रा के अपहरण की सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया। बदमाशों ने पहले छात्रा का अपहरण किया, फिर उसके हाथ पैर बांधकर उसके साथ मारपीट की। इसके बाद वो लड़की के पिता को उसकी तस्वीरें भेजते हैं और वो तस्वीरें ऐसी हैं कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते। अब लड़की को वापस लौटाने के बदले 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी जा रही है। बेटी को मारपीट भी बहुत की है, उसके मुंह से ब्लड आ रहा है, वो बांध के रखा है मुझे। मैं सजा 30 लाख फरौती मांगी है। 30 लाख रुपए मैं कहाँ से लाऊंगा उसके? मैं एक छोटा सा स्कूल संचालक हूँ और बच्चों को पढ़ा रहा था। अब मुझे डर है 30 लाख का मैं सजा है, बच्चे की फोटो आए तो मैंने तुरंत कोटा हिमांशु मुझे और SDOP साहब को अवगत कराया। उन्होंने कोटा SP को, एडिशनल SP को और सबको बोला, 12 SP को और SDOP जी हमारे MP के, तब जाके पुलिस ने कार्रवाई की है। और पुलिस का कहना है कि हमने टीम रवाना कर दी है और ज्यादातर अपन को सफलता हासिल हो जाएगी। कहना आज के वक्त में भी किडनैपिंग की ये दिल दहला देने वाली तस्वीर है और ये वारदात ना सिर्फ कोटा पुलिस बल्कि भजन लाल सरकार के उन तमाम दावों पर भी सवाल है जिनमें वो राजस्थान को अपराध मुक्त करने की बात करते हैं। अपराधियों में भजन लाल की पुलिस का खौफ ऐसा है कि वो दिन दहाड़े एक छात्रा का अपहरण करते हैं, उसके बाद उसके पिता को खुल्लम खुल्ला धमकी देते हैं, वो भी बेटी के हाथ पैर बांधकर। कहते हैं बेटी को जिंदा देखना है तो 30 लाख रुपए भेज दो। और तो और अपहरण करने वालों ने बकायदा अपना बैंक अकाउंट नंबर भी दिया है जिनमें पैसे जमा करने को कहा गया है। इधर कोटा पुलिस बच्ची की तलाश में जुटी है लेकिन अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। बच्ची के परिजन जो कि मध्य प्रदेश शिवपुरी के रहने वाले हैं, उन्होंने टेलीफोनिक SP मैम को सूचना दी थी कि बच्ची का जो यहाँ पे कोचिंग में पढ़ती है उनका अपहरण हो गया है, जिस पर अभी तस्दीक करवाई जा रही है। और जो अपहरण की सूचना है उसके बारे में पुलिस टीमें लगाकर, विशेष टीमें लगाकर और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर, कुछ फोटोग्राफ भी आए, किस तरह के फोटोग्राफ्स? वो उसके सभी के बारे में अभी पता किया जा रहा है, बच्ची का यहाँ पे कोचिंग या उसका रहना और कितने दिनों से बच्चे यहाँ पे थी, कौन सी कोचिंग में उसका एडमिशन था, उन सब के बारे में अभी अनुसंधान FIR दर्ज होने पे चल रहा है। और बाकी इसके अलावा जो अन्य जो प्रकरण में जो प्रोग्रेस है वो अभी टीमों के द्वारा की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की जानकारी मिलते ही बच्ची को छुड़ाने के लिए एक स्पेशल टीम गठित कर दी गई है। मामले की जाँच जारी है, कई अहम सुराग मिले हैं और जल्द मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। कोटा से चेतन गुर्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।